वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं घमंड सॉन्ग के रिव्यू और रिएक्शन के बारे में। और वाकई में पब्लिक, आप फाड़ हो, आप फुल कमेंट करते हो और वाकई में लाइक करके मेरे दिल को जीत लेते हो और कमेंट करके मुझे सिखा के और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हो। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हो और बात करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे इस रिव्यू और रिएक्शन में कुछ नहीं तो 2 से 2500 लाइक्स दोगे ही दोगे। मैं इस वीडियो के बारे में आप लोग को 1 महीने बाद जरूर बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते और बात करते कि घमंड कर सॉन्ग रिलीज हो गया और इस सॉन्ग के जो रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा फाड़ है मेरे लिए, क्योंकि जहां तक मैं बात करूं, ये गाना शुरू होता है एक दमदार आवाज़ से, जिस सॉन्ग को लिखा है अनिल वर्मा जी ने और एक जो गायक हैं इसके हैं हर्षवर्धन रामेश्वर। और वहीं अगर हम बात करें, सचेत परंपरा जी भी इस गाने को गा रहे हैं, दो लोग मिलकर इस गाने को गा रहे हैं। वहीं इसकी जो आवाज़ है, आवाज़ कुछ इस तरह से निकल कर आती है। मैंने इस आवाज़ को सुना और वाकई में इस गाने को मैं 10 से 20 बार सुन लिया, आई थिंक 20 से 25 बार सुन लिया इस गाने को। और इस गाने की जो सबसे पहली आवाज निकल कर आती है, भवानी के वीरों उठा लो भुजा को, सत्याग्नि को मस्तक सजा लो, स्वाहो शत्रु प्रचंड मचा दो। कुछ इस तरह का गाना निकल कर आया और वाकई में दमदार आवाज थी। और उसके साथ ही डायलॉग निकल कर आया, अजय देवगन से पूछा जाता है, कौन हो तुम? अजय देवगन भी फिर कहाँ रुकने वाले, दमदार आवाज पर बुक का उमरठ नाम सूबेदार तानाजी मालूसर है। और वाकई में दमदार आवाज लगी और दमदार परफॉर्मेंस। वहीं अगर मैं बात करूं, शरद केलकर जी शायद फिर बाद में आपको रिवील होते हुए दिखाई देते हैं और वाकई में एक दमदार आवाज में बोलते हैं सैफ अली खान से, वो डायलॉग भी आप लोग को फाड़ होगा जब वो बोलते हैं, हम तुम्हारी जान इशारी और वफादारी को से खुश हैं, हम तुम्हारी जान इशारी और वफादारी से काफी खुश हैं, इसलिए हम कोंडाना का तुम्हें किलेदार बनाते हैं। ये डायलॉग दमदार था और वाकई में मजा आ गया। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, एक अजय देवगन और काजोल का भी डायलॉग आप लोगों को लास्ट में सुनने को मिला, और उससे पहले आप लोग को एक लाइन भी और कुछ सुनने को मिली होगी, और उन लाइनों की अगर मैं बात करूं तो वो लाइनों ने भी फाड़ दिया। कुछ लाइनें इस तरह की थी, आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को मजा आएगा। चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। शत्रु के लहू से धरती को श्रृंगार कर, देश पर प्रहार कर, देश पर प्रहार कर, प्रहार कर, प्रहार कर, घमंड कर, प्रचंड कर, तांडव सा युद्ध कर, युद्ध कर श्रृंगार शुद्ध कर भयंकर, रक्त गिरेगा माटी तरेगी प्यास बुझेगी हो, दुश्मन कटेगा धरती सजेगी देश सजेगा हो। कुछ इस तरह का आप लोग को ये गाना और आगे बढ़ता हुआ नजर आया और वाकई में मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और उसके साथ ही और आगे बढ़े तो जब दमदार डायलॉग काजोल बोलती हैं, काजोल की आई थिंक इतने दिनों बाद एक्टिंग में देखने को मिली, बहुत दिनों बाद कोई रोल अच्छा देखने को मिला, दमदार रोल। और डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, अजय देवगन क्या बोलते हैं, मान लो अगर हम कोंडाना जीत कर आए तो तोहफे में क्या दोगी। और वाकई में उन्होंने जो एक डायलॉग के बाद जो जवाब लिखा गया है और वाकई में दमदार था, मान लो क्या आप कोंडाना जीत कर आओगे और ये तो बनी सी बात है, और तोहफे में क्या चाहिए वो आप हमें बता देना। कुछ इस तरह का डायलॉग था और वाकई में दमदार परफॉर्मेंस थी, दमदार गाया है, दमदार म्यूजिक है, सब कुछ फाड़ है। और आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा और लोगों से भी पूछिएगा ये शेयर करके, और इस वीडियो को भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही सॉन्ग रिएक्शंस और रिव्यूज़ लेकर आते रहेंगे। और आप लोग मज़ा आता है, आप लोग कमेंट करते हो। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कि यार ये जो गाना है ना,
अब बस फाड़ दिया है, आप लोग भी रॉक करो और सुनो, इस गाने को सुनते रहो। हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, और आपसे हमें बने रहने के लिए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, और आपको हमसे बने रहने के लिए कुछ मदद करो, हेल्प करो, शेयर करो, और क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हम आप लोग के लिए और भी काम करना चाहते हैं, और एक ट्रेलर भी दिया है हमने, अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ उस ट्रेलर के रिव्यू भी देखो।